बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खालिक कायनात के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको वेलकम करते हैं नहले के व्लॉग्स में। जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में कम्बलों में घुस के ड्राई फ्रूट्स के मज़े ले रहे होंगे। वाह जनाब, क्या बात है हमारे व्यूवर्स की, हमारे यूट्यूब फैमिली की। इतना नहीं होता आपके, हम लोगों के लिए भी, हम गरीबों के लिए भी एक कंटेनर भेज दें ड्राई फ्रूट्स का, चिलगोज़ों का, मूंगफलियों का, काजू, पिस्ते, बादाम, ये सब इनका एक कंटेनर ही भेज दीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। इतना तो राइट बनता है ना। देखिए हम आपको फ्री में आपको सैर करवाते हैं यूएई की, कहाँ कहाँ नहीं लेकर गए हम आउट ऑफ वे जाके, आप लोगों को कितने सारे इवेंट्स आपको दिखाए, आपको सैर करवाई, तो इतना तो बनता है ना, इतना तो राइट बनता है। जी गाइज, हम लोग आ गए हैं लुलु वर्ल्ड फूड फेस्टिवल के स्वीट एंड ट्रीट कॉन्टेस्ट में। जी जनाब, यकीनन आप लोगों को भी क्रेविंग हो रही होगी इतने मज़ेदार स्वीट्स देखकर, केक्स देखकर, यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो चलिए फिर, सोच क्या रहे हैं, अटैक अटैक कीजिए स्वीट्स पे, केक्स पे, जो भी आपको मनपसंद आपकी मिठाइयां हैं, अटैक कीजिए और इन्जॉय कीजिए ये इवेंट। माशाल्लाह सारे कंटेस्टेंट भरपूर तैयारियों के साथ आए थे और बहुत वैरायटी थी उनके पास मिठाइयों की, केक्स की, मूज, जेलीज, ट्राइफल्स, मतलब काफ़ी वैरायटी थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ना सिर्फ जजेस ने एंजॉय किया, ना सिर्फ जजेस ने पूरा पूरा इंसाफ किया, इन मिठाइयों पे हाथ साफ किया, केक्स पे हाथ साफ किया, बल्कि आवाम भी, क्योंकि फ्री एंट्री होती है यहाँ पे, दावत आम होती है, तो माशाल्लाह ऑडियंस भी आते हैं, जोक दर जोक दूर दूर से आते हैं और इंजॉय करते हैं। और जो लूट मचती है उसके बाद, वो लिटरली वो सीन देखने वाला हो, देखने वाला सीन होता है जनाब। जी व्यूवर्स, ये देखिए सब ऑडियंस लाइन लगाए खड़े हुए हैं इंतज़ार में कि जजेस यहाँ से हटें, जजमेंट के लिए जाएं एक कोने में जाके वो अपना फ़ैसला मुरतब करते हैं। सारे जजेस सर जोड़ के खड़े हो जाते हैं और फैसला मुरतब करते हैं। इन द मीन टाइम यहाँ पे सफाया हो चुका होता है डिशेस का, सबकी डिशेस का सफाया हो चुका होता है और उनको, ऑडियंस को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल एक फैमिली की फीलिंग्स आती हैं कि जैसे फैमिली कोई गैदरिंग है और सब मिलजुल के एंजॉय कर रहे हैं, फूड एंजॉय कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको बकअप कर रहे हैं कंटेस्टेंट को, क्योंकि राजिब तो ऊपर वाला है, हम लोग तो सिर्फ वसीला बनते हैं, रिस्क देने वाला तो मालिक के कायनात है। तो वो इन सबको यहाँ बुलाता है, इनके लिए रिस्क फराहम करता है। तो इसलिए हम लोग की सबकी कंटेस्टेंट की कोशिश यही होती है कि जितने लोग खा सकें उनको खिलाते हैं, वापस खाली बर्तन लेके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां रिस्क में बरकत भी देता है, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था कि आप गिन गिन के अगर आप खर्च करेंगे तो अल्लाह मियां भी आपको गिन गिन के नवाजेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना आप सदका जारिया कर सकते हैं करते रहिए और नेकियाँ बरकतें, ये नेकियाँ करते रहिए और बरकतें समेटते रहिए। हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर अपने पेरेंट्स को, अपने, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे चार पेरेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह जो अब हम में नहीं हैं, हमारे सास ससुर मरहूम, हमारे अम्मी अब्बी मरहूम, उनकी तरबियत हम लोगों में ऐसी रच बस गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम लोगों का दिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी है और वही चीज़ हम लोग अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं जजेस मसरूफ़ हैं, टेस्ट कर रहे हैं सबके फूड को और बहुत बारीकी से वो टेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि कहीं ये रेसिपी कहीं किसी और से तो नहीं बनवा के लेकर, क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ ये लोग घर से लेकर आए थे, होममेड थी। इस दफ़ा लुलु फूड फेस्टिवल में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से होम लाइव कुकिंग नहीं हुई, ये अलाउड था कि ये लाइव कुकिंग नहीं थी किसी एक तो कोरोना की वजह से लाइव कुकिंग नहीं की गई इस दफ़ा, तो ये सब होममेड था। तो ये लोग रेसिपी पूछते हैं बड़े घुमा फिरा के, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये अपना फैसला मरतब करते हैं। जी तो गाइस, इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई, जजेस ने अपना फैसला मरतब कर दिया है और कंसलेशन साइड से
जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आगाज हो चुका है। कंसोलेशन प्राइजेस दिए जा रहे हैं, इसके बाद तीन रन अप को प्राइजेस दिए जाएंगे। फिर देखते हैं कौन है वो खुश नसीब। जी तो जनाब, मुंह में पानी आ गया ना आपको भी, क्रेविंग हो रही है आपको भी। इतनी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मिठाइयाँ, ये दोनों जो ख़वातीन हैं ये फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया इन लोगों ने, और ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत मिठाइयों का जुमा बाज़ार लगा दिया इन्होंने। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास और सभी टेस्ट में लाजवाब थी। मोहन थाली और पता नहीं बेसन के लड्डू, माशाल्लाह मिठाइयों की दुकान खोली हुई थी इन्होंने और सभी टेस्ट में लाजवाब थी, परफेक्ट थी। गाइस आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।